रामलला अपने घर वापस आ रहे हैं। हमने सुना है थाईलैंड में, सिंगापुर में, इंडोनेशिया में, और तो और छोड़िए मलेशिया में, यूएसए में और यूके में तो है ही, साथ में फ्रांस, जर्मनी एंड इवन रशिया, देयर आर गोइंग टू बी सेलिब्रेशंस। अभिषेक मिश्रा जी, अगर आपको इसके बारे में कोई ज्ञान है तो बताएं। देखिए, पूरे विश्व में जो सनातन को मानते हैं, और आज धरती में अगर सबसे ज्यादा मान्यता किसी की है तो सनातन धर्म की है। जो ईसाई पंथ के लोग हैं, बौद्ध पंथ के लोग हैं, अन्य धर्म को मानने वाले भी इस बात को धीरे धीरे मानने लगे हैं कि सनातन मूल, सनातन आध्यात्मिक मूल, वो सनातन वैदिक धर्म में ही है, हिंदू धर्म ही है। तो पूरे विश्व में इस बात की प्रसन्नता है कि आखिरकार प्रभु राम जी का भव्य मंदिर, उनके जन्म स्थान निर्माण हो चुका है। अब सनातन धर्म का जो ध्वज है वो जब तक ये धरती है तब तक वो फहरेगा। सत्य की विजय हुई, अब बाबर की मानसिकता की पराजय हुई, और सात्विकता की, धैर्य की, सत्य की विजय हुई। तो पूरा विश्व इस पे आनंदित होगा ही। और ट्रेन से 3 करोड़ किया, 30 करोड़ लोग भविष्य में जाएंगे, तो शुरुआती दौर, ये तो शुरुआत, ये तो अगले 3 महीने की बात है बस। अरे भारतवासी, जो भारत प्रेमी होगा वो निश्चित जाएगा। अब कोई रोम प्रेमी होगा, कोई कराची प्रेमी होगा तो वो नहीं जाएगा।